फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे एंटीबायोटिक के बारे में जिसको अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग के बगैर लिया जाए तो वो साइड इफेक्ट्स उसके काफी हैं, और अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग में लिया जाए, एक्सपर्ट्स के देखरेख में लिया जाए तो ये काफी मैजिकल एंटीबायोटिक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड क्लास के एंटीबायोटिक का, जिसका नाम है अमिकासिन। तो आप देख सकते हैं, एक मैंने आपको एक वायल यहाँ पे हमारे पास है अमिकासिन की, ये मिकासिन 500, ये आपका एरिस्टो कंपनी का है हमारे पास मिकासिन 500। और ये मैं आपको बता दूं कि ये मिकासिन 500, ये इसमें अमिकासिन 100 mg इंजेक्शन में भी अवेलेबल है, 250 mg इंजेक्शन में भी अवेलेबल है, और 500 mg इंजेक्शन में भी अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे, देखिए अमिकासिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि ओरल फॉर्मुलेशन में नहीं अवेलेबल है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, ये अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास का है और ये बैक्टीरियासाइडल है, यानी कि ऐसा एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करता है, और ये प्रेगनेंसी का कैटेगरी डी ड्रग है, यानी प्रेगनेंसी के केस में हम अवॉइड करेंगे। और ये मान के चलिए, अगर प्रेगनेंसी के केस में अगर हमने अमिकासिन एंटीबायोटिक दिया तो ऐसे में जो फीटल है उसको परमानेंट डीफनेस हो सकता है, तो बहुत ही मैटर प्रिकॉशन का है। और दूसरी चीज हम बात करेंगे, अगर किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, तो ऐसे में हम अमिकासिन को डायरेक्ट इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर नहीं देंगे, वहां पे रूट उसका अलग होगा, या तो हम स्पाइन में देंगे या तो वेंट्रिसेस ऑफ ब्रेन में डायरेक्टली देंगे, वो भी एक्सपर्ट्स के देखरेख में होगा। देखिए, हम बात कर रहे थे अमिकासिन की, ये क्या करता है, बैक्टीरिया के जो 30 या राइबोसोमल सब यूनिट है उसको ब्लॉक कर देता है, ऐसे में प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक होती है, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। चलिए, अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जहां पे हम अमिकासिन इंजेक्शन का यूज करेंगे। तो अमिकासिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिसको इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों में यूज करते हैं, और इसको जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, या फिर बोन एंड ज्वाइंट इन्फेक्शन है, ऑस्टियोमायलाइटिस अगर बैक्टीरियल है तो वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका रोल है, हालांकि निमोनिया में बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है, बट निमोनिया में भी इसका रिस्पांस आता है तो उसमें भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई में इसका बहुत ही बेहतरीन रोल है, सेप्सिस के केसेस में भी हम अमिकासिन इंजेक्शन का यूज करते हैं, और जहां भी इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन होते हैं आईएआई के केसेस, वहां भी अमिकासिन का बहुत ही अच्छा रोल है। और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर अमिकासिन यानी अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का अगर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ, जैसे सपोज कीजिए सिफाइलोस्पोरिन्स के साथ, सपोज कीजिए जैसे हम मोनोसेप की बात करें, सेप्टिक जोन की बात करें, अगर हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, इट प्रोड्यूसेस सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, यानी 2+2=5, यानी कि कहते हैं एडिटिव इफेक्ट ये देता है। तो एक तो ये हो गया, लेकिन अब देखिए इस इंजेक्शन के साथ क्या क्या सावधानियां हैं। सावधानी ये है कि अगर किसी पेशेंट को लूप डायूरेटिक यानी फ्लूरोसिमाइड चल रहा हो और साथ में आपने अमिकासिन दे दिया, तो ये ड्रग इंटरेक्शन का केस होगा, और ऐसे में ओटोटॉक्सिसिटी यानी कि कहते हैं ना कि ईयर टॉक्सिसिटी भी पैदा हो सकती है, तो अवॉइड करेंगे, ये ड्रग इंटरेक्शन का चांस है, तो जहां भी लूप डायूरेटिक है तो वहां पे अमिकासिन अवॉइड करेंगे। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हियरिंग लॉस, ठीक है, ओटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, इसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है ना, जैसे किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा बैलेंसिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये देखिए कॉमन प्रॉब्लम्स रही अमिकासिन के साथ। और अगर इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि डोज की, कि जो डोज होता है 15 mg/kg/day, कितना होता है 15 mg/kg/day, यानी 15 mg/kg बॉडी वेट पर डे, और इसको सिंगल डोज में दे सकते हैं और डेली मतलब डबल डोज में भी दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डेली डोज 1 ग्राम की होगी, यानी अगर आप अमिकासिन 500 mg यूज कर रहे हैं तो मॉर्निंग एंड इवनिंग यानी 1 ग्राम ही दे सकते हैं, इसकी मैक्सिमम लिमिट है डोज की। इसके बाद देखिए, इसको हम 5-7 days तक दे सकते हैं, ठीक है। और जो भी पेशेंट जीरियाट्रिक पेशेंट्स हैं यानी ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, जैसा कि आपको पता है जैसे जैसे एज ज्यादा होगी तो किडनी फंक्शन भी स्लो डाउन होगा, तो ऐसे में उन लोगों को अगर अमिकासिन दे रहे हैं तो प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, उनकी कहीं ना कहीं किडनी फंक्शन को मॉनिटरिंग की जरूरत होगी। और अगर नॉर्मल एडल्ट में 15 mg/kg/day की डोज है तो वहां पर 10 mg/kg/day की डोज होगी। और दूसरी बात कि जहां भी किडनी डिजीज वाले पेशेंट हैं वहां पे तो मॉनिटरिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये अमिकासिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है,
तो ऐसे में क्या होगा, किडनी से एक्सक्रीट हो रहा है और किडनी ऑलरेडी डिजीज्ड है, कंडीशन में है, कोई प्रॉब्लम है, तो किडनी को डैमेज को और बढ़ा देगा। तो ऐसे में ये थोड़ा सा प्रिकॉशन है कि इसका एक साइड इफेक्ट भी है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, तो बहुत ही प्रिकॉशन रखेंगे। तो ये रही बात एमिकासिन के बारे में, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको बता दिया है। एक तो अगर प्रेग्नेंट कैटेगरी डी ड्रग है और ये बैक्टीरियोसाइडल है, प्रेग्नेंट कैटेगरी डी का मतलब है कि अगर हम प्रेगनेंसी में देते हैं बाय मिस्टेक, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी। अगर गर्भावस्था के दौरान दिया जाता है तो ये जो फीटल है यानी बच्चा जो पेट में पल रहा है उसको परमानेंट डीफनेस का शिकार बना सकता है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी चीज, अगर मेनिनजाइटिस का कोई केस हमारे सामने है, वहां पे एमिकासिन बिना समझे दिया जाता है, तो यह भी कहते हैं ना कि बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। थर्ड पॉइंट, अगर किसी पेशेंट को लूप डायूरेटिक यानी फ्लोसेमाइड चल रहा है और साथ में एमिकासिन आपने दिया, तो ड्रग इंटरेक्शन का केस बनेगा, बहुत सारे साइड इफेक्ट पेशेंट को मिल सकते हैं। तो जो भी एमिकासिन देने के पहले इन चीजों को ध्यान में रखा जाए, और जो प्रॉपर डोजिंग है, गाइडलाइन है, वो बिना कहते हैं ना कि डॉक्टर के ओपिनियन के ना दिया जाए, और जो भी डोज डिसाइड हो फार्मासिस्ट डोज डिसाइड करे कितना डोज किस कंडीशन में क्या देनी है, तब जाकर के एमिकासिन का ये वर्क कंप्लीट होगा। तो आज के वीडियो में रही एमिकासिन के बारे में जानकारी, अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होगी। हमारा यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी, तो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। अपने कमेंट जरूर पास ऑन कीजिएगा ताकि हम अपनी वीडियो में और क्वालिटी ला सकें। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद।